हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में कमेंट देखे थे कि कमेंट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, उसमें दो तरह का कमेंट आपको लिखने के लिए सिखाया गया था, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास में। और आप अगर 100 प्रोग्राम के लिखोगे ना, तो उसमें डेटा टाइप का यूज होगा ही होगा। तो हम लोग देखेंगे डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स होता क्या है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा टाइप होता क्या है। अगर आप देखो डेटा टाइप्स का मतलब मींस डेटा के टाइप को जो बताता है उसको हम लोग डेटा टाइप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कंप्यूटर में टेल लिखा, 9.4 लिखा, ठीक है, और आपने ए लिखा, सब बताया, तो कंप्यूटर के पास में आईक्यू पावर नहीं होता है, वो ये समझ नहीं सकता कि ये किस टाइप का डेटा है। तो हम लोग को कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप समझ लो कि ये डेटा है, लेकिन किस तरह का डेटा है आप समझ लो, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि ये किस टाइप का डेटा है। तो आपको पता है कि अगर जो डेटा में पॉइंट नहीं होता है, मीन्स वो डेसिमल नंबर नहीं होता है जिसमें, उसको हम लोग इंटीजर डेटा कहते हैं। ये कौन सा डेटा है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर है, क्लियर है। और इसमें अगर पॉइंट है तो ये कौन सा डेटा हो गया आपका, रियल डेटा, जिसको आप फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हो, ये कौन सा डेटा है, रियल डेटा। और ये डेटा है कैरेक्टर में लिखा हुआ, मींस अगर आपका कोई डेटा सिंगल कोट में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैरेक्टर कहेंगे। ये कौन सा डेटा है आपका, कैरेक्टर डेटा है। तो इस डेटा को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझाना होगा। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि बहुत सारे डेटा टाइप अवेलेबल है, तो डेटा टाइप क्या करता है, डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करता है, मींस वो किस तरह का डेटा है। जैसे कि ये इंटीजर डेटा है, तो कंप्यूटर में एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप इसके लिए डिफाइन किया गया है, जिसको हम लोग इंट कहते हैं। ठीक है, इंट जो है वो इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, मींस ये अगर आप 10 लिख रहे हो तो आपको वेरिएबल में स्टोर करना होगा। नॉर्मली अगर आप a इक्वल टू 10 लिखते हैं तो ये कंप्यूटर में एरर आ जाएगा आपके लिए। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को ये पता नहीं कि इसके लिए मेमोरी साइज कितना बनाना है। समझ में आ रहा है, अगर इसके पहले आप इंट लगा देते हो तो अब कंप्यूटर इससे वेरीफाई कर लेगा कि ये जो ए है वो इंटीजर टाइप का डेटा है जो 10 को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये सब आपको बताया जाए इसके अंदर में क्या स्टोर किया जा रहा है, 10। तो सिंपल हम लोग याद रखेंगे कि डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है डेटा के टाइप को, और जैसा आपका डेटा होगा वैसा ही उसका ऑपरेशन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने 10 प्लस 10 को ऐड किया, तो ये आपने ऑपरेशन किया, तो इसका रिजल्ट भी 10 आने 20 आने वाला है। मींस ये दोनों अगर आपका इंटीजर डेटा है, इंट डेटा है, तो आपका रिजल्ट भी क्या आने वाला है, इंट आने वाला है। मींस जैसा आपका डेटा होगा वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा, क्लियर है। तो सिंपल हम लोग डेटा टाइप में लिखेंगे कि डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है डेटा के टाइप को, ठीक, और उसी तरह का वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जैसा उसका डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग, देखिएगा सिंपल लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप्स। इसमें हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप्स आर means to identify the type of data and associated operations for handling it। कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा टाइप का मतलब होता है कि वो डेटा को आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का डेटा है, ठीक है, और उसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जैसा रिजल्ट आएगा वैसे ही उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। समझ में आ, तो बहुत सारे डेटा का टाइप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी में लिखेंगे There are three types of data types
int C++। C++ में डेटा टाइप का कितना टाइप होता है? तीन टाइप होता है। पहला फर्स्ट वन इज क्या हो जाएगा? फंडामेंटल या फिर इसको बेसिक भी आप बोल सकते हो या फिर आप इसको बिल्ट इन बोल सकते हो। डेटा टाइप्स क्लियर है फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या है? डेराइव्ड डेटा टाइप्स। और थर्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये तीन तरीका होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे और ये इसी लेक्चर में हम लोग फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे और दो आपका इससे अगले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो क्या फर्स्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स इसमें समझिएगा बहुत ही सिंपल डेटा टाइप होता है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स ये एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है। प्रीडिफाइंड मींस पहले भी आपको बताया था प्रीडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि जो डेटा पहले से डिफाइंड किया गया हो C++ में उसको हम लोग प्रीडिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने 10 लिखा तो आप लोग के माइंड में ये आ रहा था कि अगर ये इंटीजर नंबर है तो हम लोग पूरा इसको इंटीजर बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा इंटीजर लिखोगे पूरा तो फिर ये काम नहीं करेगा। इसके लिए एक प्रीडिफाइंड शॉर्ट फॉर्म इसका बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए जो है आपका इंट। आपको यही लिखना है। इसका स्पेलिंग आप चेंज नहीं कर सकते, मीनिंग चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो C++ को डेवलप किए थे जो डेवलपर थे वो इस डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये फिक्स डेटा टाइप है इसी को आपको लिखना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इंटीजर नंबर को इंडिकेट करना है तो उसके लिए इंट डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास फ्लॉट नंबर है 2.4 है तो इसके लिए आपको फ्लॉट डेटा टाइप यूज करना होगा, मीन्स फ्लॉट यूज करना होगा। तो ये डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है और जो डेटा टाइप पहले से डिफाइन होता है उसको हम लोग प्रीडिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। समझ में आया? फंडामेंटल डेटा टाइप। फंडामेंटल डेटा टाइप क्या होता है? फंडामेंटल डेटा टाइप एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है। समझ में आ रहा? और ये डायरेक्टली यूज किया जाता है प्रोग्राम में। क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो जैसे आपने ए लिख दिया, नॉर्मली ए लिख दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि कंप्यूटर किस टाइप का मेमोरी बनाए। ठीक है, इसके लिए कितना साइज को जनरेट करे कंप्यूटर के अंदर, तो इसके लिए आपको पहले इंट लिखना होगा। तो क्या हुआ? ये वेरिएबल डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा? इंट के द्वारा। तो यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे क्या फंडामेंटल डेटा टाइप में क्या बताया कि फंडामेंटल डेटा टाइप एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लियर है? जो यूज किया जाता है डायरेक्टली किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। जो डायरेक्टली यूज किया जाता है किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। क्यों यूज किया जाता है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना होगा? फंडामेंटल डेटा टाइप यूज करना होगा। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे। देखो पहला लाइन आपको क्या बताया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। फंडामेंटल डेटा टाइप्स एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होता है? प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड मतलब समझ में आ रहा है? जो डेटा पहले से डिफाइंड है उसको हम लोग प्रीडिफाइंड डेटा टाइप कहेंगे। जो क्या किया जाता है? विच आर यूज्ड डायरेक्टली बाय द यूजर। यूजर के द्वारा डायरेक्टली वो यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फंडामेंटल डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो फंडामेंटल डेटा टाइप बहुत ही सारा होता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल ले ले तो आपका इंट फंडामेंटल डेटा टाइप है।
ठीक है, कैर, इसको चार नहीं पड़ेगा, कैर हम लोग रीड करते हैं कैर। नेक्स्ट फ्लॉट, नेक्स्ट डबल डबल, नेक्स्ट वॉइड, ये सब आपका क्या है, फंडामेंटल डेटा टाइप है। समझ में आ रहा है? अब ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं प्रोग्राम में, ये हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल समझ में आया? फंडामेंटल डेटा टाइप्स, प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है, समझ में आ रहा है, जो यूज किया जाता है डायरेक्टली किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, क्लियर है। एग्जाम्पल में इंट, कैर, फ्लॉट, डबल, वॉइड, ये सब को हम लोग कौन सा डेटा टाइप करते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप में होता है। अब हम लोग आते हैं कि इंट डेटा टाइप का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं इंट डेटा टाइप का यूज, इंट डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, इंट डेटा टाइप का यूज, बोलिए। हम लोग इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का यूज करेंगे, इंट डेटा टाइप का यूज करेंगे। सिंपल हम लोग लिखेंगे कि ये डेटा टाइप यूज किया जाता है इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए। अगर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है कंप्यूटर के अंदर में, तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना होगा, इंट डेटा टाइप यूज करना होगा। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैर डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर डेटा टाइप। इसमें समझिएगा, सिंपल है, क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्लॉट डेटा टाइप हम लोग क्यों यूज करते हैं, पॉइंट वाले नंबर मींस फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लॉट डेटा टाइप। फ्लॉट डेटा टाइप हम लोग क्यों यूज करते हैं फ्लॉटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए। लेकिन ये सिंगल प्रिसीजन फ्लॉटिंग नंबर स्टोर करता है, सिंगल दो तरह का होता है प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन। ये क्या होता है ये आपको बताएंगे अभी, इसी में एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने के लिए हम लोग फ्लॉट डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल प्रिसीजन होता क्या है, सिंगल प्रिसीजन जो है वो फ्लॉट नंबर, सिंगल प्रिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, फ्लॉट नंबर को 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 32 बिट्स। इस तरह का बिट्स बना हुआ होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिट और बाइट के बारे में। इस तरह से सबसे स्मॉल यूनिट होता है जिसको हम लोग बीट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो बीट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, सो लास्ट कहां तक होगा, 32 तक। तो इसमें ये सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंट किया जाएगा, मतलब इस बॉक्सेस में, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, तो उसको वो बिट में रिप्रेजेंट करता है डेटा को, ठीक है। तो सिंगल प्रिसीजन जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 32 बिट्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डबल डेटा टाइप, ये भी फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये डबल प्रिसीजन डेटा को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप देखोगे डबल डेटा टाइप, ठीक है, डबल डेटा टाइप, सिंपल सेम लैंग्वेज होगा। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स।
समझ में आ रहा है? ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। मींस डबल प्रिसीजन का मतलब क्या होगा कि डबल प्रिसीजन नंबर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा 64 बिट्स में। सिंगल प्रिसीजन 32 में रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल प्रिसीजन 64 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। लास्ट अभी हम लिख देंगे ये दोनों का मतलब, लिख देंगे कि सिंगल प्रिसीजन क्या होता है और डबल प्रिसीजन आपका क्या होता है। आप लास्ट समझ लोगे कि वॉइड क्या होता है। वॉइड वर्ड आपको पहले भी बताए हैं कि वर्ड एक कीवर्ड होता है। एक्चुअली ये कीवर्ड होता है वर्ड डेटा टाइप, ठीक है, और ये किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। मींस जो फंक्शन को आप क्वालिफाई कर दोगे, मींस वर्ड लगा दोगे फंक्शन बनाते समय, वो फंक्शन किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वर्ड का मेन काम है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है, क्लियर है? और जो फंक्शन वर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ रहेगा वो फंक्शन किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्लियर है? अगर आप इसको लिखना चाहो अपने भाषा में, कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, वॉइड के द्वारा क्या समझते हो, सिंपल लिखेंगे वॉइड इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन, दैट फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू। जो फंक्शन वॉइड कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा वो फंक्शन किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब नॉन रिटर्निंग फंक्शन उसको आप बोल सकते हो, जो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मींस ये इंपटी सेट ऑफ वैल्यू होता है, तो वैल्यू होता ही नहीं, ठीक है? तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू इंपटी सेट ऑफ वैल्यूज एंड नॉन रिटर्निंग फंक्शंस, ठीक है? मींस वो फंक्शन किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। फर्स्ट आपको क्या बताया, फर्स्ट बताया डेटा टाइप, ठीक है? डेटा टाइप सिंपल याद रखिएगा, डेटा टाइप डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, क्लियर है? डेटा टाइप कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप जिसको आप बेसिक भी बोल सकते हो, बिल्ट इन भी बोल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट डेराइव्ड डेटा टाइप, डेराइव्ड डेटा टाइप अभी एक्सप्लेन नहीं किए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। लास्ट ये दोनों को हम लोग जो डायरेक्टली यूजर के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों यूज करता है यूजर, रीजन होगा ना, इसलिए यूज करता है उसके द्वारा वो वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है। मींस ये डायरेक्टली यूज किया जाता है यूजर के द्वारा क्या करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है? इसका कितना टाइप आपको एग्जांपल में क्या दिए, इंट कैर फ्लॉट डबल वॉइड, ठीक है? इंट क्यों यूज करते हैं, इंटीजर नंबर के लिए यूज किया जाता है, कैर कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, फ्लॉट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज किया जाता है, डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज किया जाता है। तो डिफरेंस क्या होगा दोनों में, ये सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है, ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है, क्लियर है? अगर आप इसको समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है? देखो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन, समझ लीजिए, ठीक है? फर्स्ट आपको क्या बताना है, सिंगल प्रिसीजन, ठीक है? सिंगल प्रिसीजन का मतलब आप समझिए, सिंगल प्रिसीजन में क्या किया जाएगा, आपको जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो 32 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा इन सिंगल प्रिसीजन 32 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है? सिंगल प्रिसीजन यूज किया जाएगा क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? ये 32 बिट्स यूज किया जाता है, क्यों, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसमें, सिंगल प्रिसीजन में। तो डबल प्रिसीजन में क्या हो जाएगा, 64 बिट्स हो जाएगा, तो नंबर टू आप समझ लीजिएगा डबल प्रिसीजन। इसको हम लोग लंबे में भी डिस्कस कर सकते थे लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। क्या है इन इन डबल प्रिसीजन, ठीक है, 64 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट। पॉइंट इसको समझिएगा, ये क्या लिखा हुआ पॉइंट, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। कौन सा नंबर यूज किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, 64 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को दोनों बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 32 में भी और 64 में भी। अगर 32 में कर रहे हो तो वो सिंगल प्रिसीजन लगाएगा, उसके लिए हम लोग फ्लॉट डेटा टाइप यूज करेंगे, और अगर 64 में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग डबल प्रिसीजन कहेंगे, उसको हम लोग डबल डेटा टाइप यूज करेंगे, डबल प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप एक बार देख लीजिएगा इसका पूरा, हम लोग क्या क्या समझे, फर्स्ट डेटा टाइप समझे, ठीक है। इसका तीन टाइप होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप और डेराइव डेटा टाइप, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे, ठीक है, इसमें एक ही को एक्सप्लेन किया फंडामेंटल डेटा टाइप का, कौन सा डेटा टाइप एक्सप्लेन किया गया, फंडामेंटल डेटा टाइप, दो अभी बचा हुआ, ठीक है। फंडामेंटल डेटा टाइप में क्या पढ़े कि एक प्रीडिफाइंड डेटा टाइप होता है जो यूजर के द्वारा यूज किया जाता है, क्यों यूजर यूज करता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। इसमें कौन कौन सा डेटा टाइप आता है, इंट, कैर, फ्लॉट, डबल, वॉइड, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, सिंपल आप याद कर सकते हो इसको, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग रट ले, सिंपल याद रखेंगे कि इंट डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, कैर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, फ्लॉट डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, मींस ये सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करता है, और डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करता है, क्लियर है। वॉइड, वॉइड एक एम्प्टी सेट होता है वैल्यू का, उसके पास कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, और जो फंक्शन वॉइड के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है वो किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसीलिए हम लोग वॉइड को नॉन रिटर्निंग फंक्शन भी बोल सकते हैं, मींस ये जिसमें लग जाएगा वॉइड जो फंक्शन में वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, क्लियर है। और इधर आपको एक्सप्लेन किया सिंगल प्रिसीजन और डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन में क्या पता है कि सिंगल प्रिसीजन में जो भी 32 बिट्स यूज किया जाएगा क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लियर है। डबल प्रिसीजन में 64 बिट यूज किया जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, सिंपल है, आया समझ में, ठीक है। हम लोग इससे अगले वाले लेक्चर में, अभी हम लोग क्रिएट ये फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ेंगे, फंडामेंटल डेटा टाइप में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे डेटा टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है, ये फंडामेंटल के अंदर ही आता है, तो हम लोग डेटा टाइप मॉडिफायर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।